सब्सक्राइब कीजिए आवजर टेक्निकल हंट चैनल को, बेल आइकन को दबाइए टेक्निकल न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आवजा टेक्निकल हंट पर। और फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ होलोग्राफी या फिर आप बोल रहे हैं उसे होलोग्राम के बारे में। तो फ्रेंड, यह होलोग्राफी या होलोग्राम क्या होता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि होलोग्राफी या होलोग्राम क्या होता है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने मोबाइल पर कभी ना कभी वीडियो रिकॉर्डर को यूज किया होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डर कभी ना कभी आपने यूज किया होगा, जहां पर फ्रेंड आपकी बोली हुई बात को रिकॉर्ड किया जाता है। अब फ्रेंड, जब आप अपने वीडियो रिकॉर्डर पे एक बार उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको कहीं पर भी जाकर के रन कर सकते हैं, कहीं पर भी उसको सुन सकते हैं। अब फ्रेंड, एक बार जब उस वीडियो रिकॉर्डर पर आप अपनी कही हुई बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप उसको ले जाकर कहीं पर भी सुन सकते हैं, पर वहां पर आप नहीं बोल रहे होते हैं, वहां पर वो मशीन जो है बोल रही होती है, यानी कि वहां पर आपके सभी वाइब्रेशंस को जो है रिकॉर्ड किया जाता है उस वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ मैं जैसे कोई वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा और अपलोड करने के बाद फ्रेंड होगा ये कि आप या मैं इसको कहीं पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी पर बेस्ड है होलोग्राफी का सिस्टम। पर होलोग्राफी या फिर आप बोल रहे हैं उसको होलोग्राम, ये काम करता है बेसिकली लाइट पर। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश या लाइट पर। अब फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम वॉइस रिकॉर्डर का यूज करते हैं तो वहां पर हमारी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, और जब हम अपनी वॉइस को एक बार रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद आप उसको कहीं पर भी सुन सकते हैं ना। अब फ्रेंड, यदि मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है, अब वहां पर फ्रेंड क्योंकि वहां पूरा अंधेरा है तो वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स कुछ भी यहाँ पड़ा होगा तो रखा होगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि वहां एकदम अंधेरा हुआ, आंखें जो है आपकी उस चीज को कहीं कुछ नहीं देख सकती। इसके लिए फ्रेंड वहां पर हमको प्रकाश की किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड आप लालटेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी चीज का, यानी कि प्रकाश यानी कि रोशनी की जरूरत पड़ती है उस जगह पर। जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक आप वहां पर रखी किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। जैसे फ्रेंड आप वहां पर कोई टॉर्च या बल्ब जलाते हैं तो वहां पर रखी सारी चीजें आपको नजर आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड आपकी आंखें उस चीज को कैसे देख पाती हैं प्रकाश में, लाइट में, क्योंकि फ्रेंड वो जो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ता है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो सारी रोशनी आपके आंखों में आती है, और आंखों में आने के बाद फ्रेंड तभी जो है आप सारी चीजों को देख पाते हैं। तो फ्रेंड यहां मैं बात करता हूँ कि अब होलोग्राफी या होलोग्राम क्या होता है। हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्या फ्रेंड हम किसी लाइट को, किसी प्रकाश को रिकॉर्ड कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी या प्रकाश को क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले प्रकाश या रोशनी को सेव कर सकते हैं, एक वीडियो के रूप में सेव कर सकते हैं, या फिर एक पिक्चर के रूप में कैप्चर करके सेव रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप जहां चाहें उस प्रकाश को, उस रोशनी को रन करवा सकते हैं, उसे एक प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब फ्रेंड यहां पर मैं उस प्रोजेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो आप फिल्म थिएटर में, जो आप उस पर्दे पर एक पिक्चर नजर आती है आपको चलते हुए, पर वो फ्रेंड आपको 2D में नजर आती है, वो एक अलग प्रोजेक्टर है। या फिर फ्रेंड आप स्कूल या कॉलेज में कोई प्रोजेक्टर यूज करते हैं प्रेजेंटेशन आदि को बताने के लिए, दिखाने के लिए, वो भी एक अलग चीज होती है, वो अलग चीज है। यहाँ फ्रेंड मैं उस प्रोजेक्टर की बात कर रहा हूँ जो आपको एक रियलिटी में उस चीज को नजर दिखाता है, 3D में, यानी फ्रेंड आप उस चीज को चारों ओर से देख सकते हैं, और एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो चीज वहां नहीं है फिर भी आपको वो चीज नजर आती है, लेकिन वो चीज जो 3D में आपको नजर आती है वो एक लाइट के फॉर्म में होती है। जैसे फ्रेंड मान लीजिए कि आप, जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे यदि एक लाइट के फॉर्म में यानी कि प्रकाश के फॉर्म में किसी कैमरे में
जो होलोग्राफिक के ऊपर काम करते हैं ऐसे कैमरे के अंदर यदि रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एक प्रकाश ट्यूब में एक रोशनी के रूप में मुझे रिकॉर्ड कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड अब उस रिकॉर्ड की गई रोशनी को उस प्रकाश को यदि मैं किसी और जगह पर ले जाकर रन करवाता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उसी कंडीशन में हूँ जिस कंडीशन में मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसी जगह पर हूँ लेकिन मैं उस जगह नहीं हूँ, है ना फ्रेंड। आपको वो चीज एक 3D में नजर आएगी, एक 3D के अंदर नजर आएगी, ऐसा लगेगा जैसे एक्चुअल में वो चीज वहीं पर है। ये आंखों का धोखा कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है उस चीज को एक्चुअल में 3D मानता है, उस चीज को रियल मानता है, लेकिन वो एक प्रकाश है, वो एक आभासी चीज है। तो इस तरीके से जो है वो होलोग्राफी या होलोग्राम जो है बेसिकली काम करता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो भी फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आखिर जो होलोग्राम है होलोग्राफी है वो किस तरीके से काम करती है। आपने कई सारी ऐसी पिक्चर्स भी देखी होंगी फ्रेंड जहां पर कुछ ऐसे उपकरण को यूज किया जाता है जिसके आर पार निकला जा सकता है। आपने आत्माओं वाली भी पिक्चर्स देखी होंगी, वहां पर फ्रेंड उसके आर पार निकला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बेसिकली होलोग्राम है, होलोग्राफी के ऊपर ही बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक रियल चीज नहीं है, वो एक लाइट है जिसके आर पार निकला जा रहा है। तो ये बेसिकली होलोग्राफी का काम होता है। इसी तरीके से जो होलोग्राफी काम करती है यानी कि रिकॉर्ड किए गए उस प्रकाश को कहीं पर भी आप रन करवाएंगे तो वो चीज आपको उस तरीके से नजर आएगी जैसे वो रियल में आपके सामने है, पर वो एक प्रकाश के रूप में है, वो एक लाइट के रूप में है। जैसे फ्रेंड आप अपने मोबाइल फोन्स पर वीडियो कॉल यूज करते हैं, अब ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जिसको आप वीडियो कॉल करते हैं वो तो वहां ही होता है और आप यहाँ से उसको वीडियो कॉल करते हैं, यानी कि आप उस आप आमने सामने आप उसको बात करते हैं, यानी कि वो उसी जगह पर है और आप अपनी जगह पर हैं, वहां आप बात करते हैं। लेकिन होलोग्राफी के सिस्टम में क्या होगा फ्रेंड, जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो व्यक्ति यदि विदेश में है लेकिन आपके फेस टू फेस आप उससे बात कर सकते हैं, यानी कि आप उसको देख सकते हैं, अपने सामने बैठा हुआ देख सकते हैं आपको, आप वो व्यक्ति आपके सामने ऐसा लगेगा कि बैठा हुआ है और आप उससे रियल में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको छूने जाएंगे तो आप उसके आर पार निकल जाएंगे। तो यही बेसिक सिस्टम होता है होलोग्राफी का। चुनाव प्रचार हो या फिर फिल्म्स हो या नेता अभिनेता हो, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? होलोग्राफी का या होलोग्राम का। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि होलोग्राम एक लाइट की टेक्निक है, यानी कि एक लाइट ही है जो बेसिकली लाइट पर काम, उस इमेज को एक लाइट के फॉर्म में सेव किया जाता है और उसी चीज को रिकॉर्ड करने के बाद यदि हम प्ले करते हैं तो वो लाइट के फॉर्म में ही नजर आता है। अब ये होलोग्राम सिस्टम कहाँ से आया, ये कैसे काम करता है और इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड होलोग्राम का बेसिकली एक यूनानी शब्द है, जो यूनानी शब्द है जिसका यदि हम अलग अलग करें तो होलोस प्लस ग्राफी बनता है। होलोस यानी होता है पूर्ण और ग्राफी माना होता है लेखन या आलेखन, पूर्ण रूप से लिख देना, पूर्ण रूप से उसका आलेखन कर देना, पूर्ण रूप से उसको बता देना। तो फ्रेंड ये जो होलोग्राफी थी वो आई थी 1947 में, जिसको दिया था एक भौतिक वैज्ञानिक डेनिस गेबर ने। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था डेनिस गेबर। तो फ्रेंड ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में वो उन्होंने शुरुआत तो की थी किसी और चीज को खोजने की, लेकिन अचानक ये चीज जो थी वो आ गई। तो इस वजह से फ्रेंड उस समय लेजर इतना नहीं था, लेजर क्योंकि बेसिकली ये जो सिस्टम था वो लेजर पर काम करता है, यानी कि एक लेजर लाइट के रूप में जो है वो निकलती है, जो हम प्रकाश सेव करते हैं उस ऑब्जेक्ट से निकलता है जो, वो एक लेजर के रूप में होता है। अब वो उस समय लेजर नहीं था। तो धीरे धीरे 1960 में जब लेजर का विकास हुआ तो ये टेक्निक और आगे बढ़ती गई और आज के टाइम पे हम इस टेक्निक को यूज तो नहीं करते लेकिन फ्यूचर में हम इस टेक्निक को यूज कर पाएंगे। हालांकि फ्रेंड अभी ये फिल्म्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है होलोग्राफी को। तो यहां पर ये सिस्टम जो था होलोग्राफी कहलाया। अब यदि फ्रेंड मैं इसका कंपैरिजन करूं टेलीग्राफी से, आपने टेलीग्राफी का भी नाम सुना होगा, तो दोनों ही एक समान चीज है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क आपके कंप्यूटर की तरह ही है फ्रेंड। अब कंप्यूटर की तरह कैसे है, आपने कंप्यूटर में कट कॉपी का ऑप्शन यूज किया होगा। जब आप अपने कंप्यूटर पर कट कॉपी को यूज करते हैं, यानी फ्रेंड आप यदि किसी फोल्डर को कट करते हैं और दूसरी जगह जाकर सेव करते हैं तो वो फोल्डर वहां से हट जाता है, पूरी तरीके से हट जाता है और दूसरी जगह जाके
पेस्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉपी, तो वो फोल्डर आपके कंप्यूटर पर रहेगा, लेकिन उसको यदि कहीं दूसरी जगह अगर आप पेस्ट करते हैं तो वो फोल्डर वहां भी रहेगा और जहां पर आपने उसको पेस्ट किया वहां पर भी रहेगा। इसी तरीके से जो है टेलीग्राफी काम करता है, यानी कि जो व्यक्ति एक जगह पर है उसको वहां से हटा दिया जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन होलोग्राफी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। होलोग्राफी सिस्टम में व्यक्ति वहां भी होगा और आपके फेस टू फेस आपसे बात भी करेगा। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो फ्रेंड, ये सिस्टम बाय बेसिकली काम करता है लेजर से, और लेजर अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर उन अलग अलग तरंग दैर्ध्य को उन प्लेट पर डाला जाता है। यहाँ पर एक तरंग दैर्ध्य नहीं होता है, यहाँ पर एक लेजर नहीं होती, यहाँ पर दो लेजर्स होती हैं जिनको अलग अलग कोण से उस फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता है। और जब फ्रेंड उस लेजर्स किरणों को अलग अलग फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता है तो वहां पे एक चमकीला बीम बनता है, यानी एक चमकीली बीम बनती है जो आपको नजर आती है। इसके बाद फ्रेंड उस तरंग दैर्ध्य यानी कि लेजर किरणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित किया जाता है। इसके पहले दोनों लेजर किरणें एक बीम स्प्रेडर से होकर निकलती हैं, जिससे प्लेट पर लेजर किरणों का प्रकाश फ्लैगशिफ्ट होता है, यानी कि उस लाइट का फ्लैगशिफ्टिंग अलग हो जाता है और चित्र अंकित हो जाता है। इसके एक ही जगह दो छवियां प्राप्त होती हैं, यानी चीज तो वो 2D में होती है। जैसे फ्रेंड मैं यहाँ बैठा हूं और मुझे एक प्रकाश के रूप में यदि सेव किया जा रहा है, लाइट के रूप में सेव किया जा रहा है, तो मैं एक 2D सिस्टम हूँ, यानी कि मैं एक पूरा एक 2D हूँ। लेकिन जब उसको डिस्प्ले किया जाएगा किसी जगह पर तो मैं वहां पर उसको 3D के रूप में नजर आऊंगा। ये वो 2D लेकिन आपको नजर आएगा 3D में, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, उसको 2D पर 2D का लेप किया जाता है, यानी कि 2D के ऊपर नीचे 2D को रखा जाता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में सुपर इम्पोज कहते हैं। तो फ्रेंड विभिन्न आकृतियों को इस प्रकार से अंकित किया जाता है, जिससे देखने वाले को होलोग्राम को अलग अलग कोण से देखने पर अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं, यानी कि भले वो इस एंगल से देखे या फिर वो उसको इस एंगल से देखे, किसी भी एंगल से अगर वो उसको देखे तो वो उससे आकृति अलग अलग नजर आएगी। तो फ्रेंड अब ये होलोग्राफी और होलोग्राम कहाँ यूज होती है? तो फ्रेंड होलोग्राफी को जैसे नकली दवाइयां हैं उसकी पहचान करनी है तो होलोग्राफी का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर गोफिक जो कि एक बुखार कम करने वाली दवा है जिसे क्रॉसिंग कहा जाता है, उसको होलोग्राफी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड आपके मतदाता पत्र पे, आपके जो मतदाता निर्वाचन पत्र होते हैं उसमें भी होलोग्राफी होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड आपके जो विद्युत मीटर होते हैं वहां पर बिजली के चोरी को रोकने के लिए भी होलोग्राफी या होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये पूरा जो होलोग्राफी सिस्टम है काम करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और क्या चाहिए था या क्या चीज मैंने छोड़ दी है। और यदि नहीं पसंद आया हो तो बस आप फ्रेंड डिसलाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। तो यही था फ्रेंड जो बेसिक कंसेप्ट था होलोग्राफी या होलोग्राम का। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा।